पुराना है। देख सकते हैं हम लोग सीएसएफ कैंप है जहाँ हम लोग आए थे रेस्क्यू करने के लिए। मेहनत किया पता है, सुबह 8:30-9 बजे से लगे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, नंदा सिनेक सर्वर और ब्लॉग में। और सबसे पहले आप लोग को इस शुभ दीपावली पे मेरे तरफ से और मेरे पूरा टीम की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना कम से कम हो नेचर को चोट पहुंचाने की कोशिश करें ताकि पटाखा ज़्यादा ना फोड़े। अगर फोड़ना ही है क्योंकि बच्चे जिद करते मानते नहीं है तो ग्रीन पटाखा का यूज करें ताकि हमारा पर्यावरण का नेचर का संतुलन जो है बना हुआ रहे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आर्यन ठाकुर जी की तरफ से मुझे कॉल आया हुआ था कि शेषव बेरकर में कहीं कोई सांप देखा गया है। सांप मैंने देखा कि कौन सा सांप है, सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है जो भारत का सबसे मोस्ट वेनम में स्नेक है। क्योंकि जानते हैं जहाँ सांप रहता है खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। आइए सर से एक दो बात करते हैं कि उनको नंबर कहाँ से मिला और डर लगता है कि नहीं है, क्योंकि दिन भर तो खतरे से खेलते रहते हैं। क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि इनका यहाँ रेस्क्यू करने का मौका भी मिला। तो चलिए इनसे दो बात करते हैं। तो प्रणाम सर, आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको सबसे पहले बताइए नंबर कहाँ से मिला? नंबर आपका ये जो सेवा है ये सेवा बहुत फैला हुआ है, बहुत इस बारे में जानते हैं क्योंकि आपका जो सेवा ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते जी। और इसलिए आपका YouTube में भी बहुत बार देखे हैं जी। और आइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेते हैं 1-2 मिनट का वक्त। जानते हैं जहाँ साफ रहता खतरा वहाँ बना हो रहा है। बड़ी बात है कि अगर इसे मारना होता सर जी जी तो हम लोग कभी भी इसे मार सकते। बिल्कुल, अगर इसे मारना बिल्कुल हम लोग चाहते हैं। अगर इसी कारण से हम लोगों ने इतना देर मेहनत किया यही बेटर है इसी के लिए। ये हमारे संतुलन को बना हुआ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए इसको हम लोग मार। अगर इसको आप मारते जाएंगे तो विलुप्त होते जाएगा। सही है, सही है। अगर विलुप्त होते जाएगा तो चूहा का मेढक का जानते हैं भरमार हो जाएगा। इसीलिए मारना किसी को नहीं, क्योंकि देखिए जीवन देने का हक ना आपको है ना मुझे है। ये सही है। जब हक हमको नहीं है तो मारने का हक भी मुझे आपको नहीं। जब अगर यही चीज हमारे यही सोच के कारण आदि आराम। चलिए आपका सोच को हम सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सोच को। इसी काले से मैं सर को फोन किया, मैं बोला नहीं सर जुगाड़ हमें करना है आराम। बोलो फिर फोकस कर लेंगे। भी उठेगा चलो बाबा हम मुंडे दिखे ध्यान रख। देख सकते हैं ये स्पेक्टिकल कोबरा है, वैसा बहुत दिन से यहीं पे विराजमान थे। देख लिया ना स्पेक्टिकल कोबरा, नाक कोबरा हाँ, पूरा मूड बना के रखा है पूरा मूड बनाया हुआ है। ये वीडियो कोई ना अगर भेजे तो आप बोला कितना बड़ा बिग साइज का है। अच्छा ये सांप केचुल में है क्या सर? जी हाँ, इसीलिए आप लोग एक बात बोलना चाहेंगे, अभी ठंडा के दिन आ चुका है कि अभी 1-2 महीना 3 महीना के लिए जहाँ दिल में घुसेगा वही रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। किस तरह से निकल गया समय से पहले। और सबसे बड़ी बात क्या है ना सर इसका, ये हमें लग रहा है ये बहुत पुराना था इस एरिया में। वीडियो इसका थोड़ा फन निकलवाइए ना सर बैठ के, क्योंकि अभी केचुली में है, अभी बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। देख रहे वो एकदम बिल्कुल निकालने के चक्कर में। ये सीन देख सकते कितने एग्रेसिव मोड में है अभी, पूरा एग्रेसिव है ये। ये केचुल के कारण हिला नहीं, हम लोग यहाँ से हिलने नहीं दिए इसलिए। दीजिए बेटा, पति
ये ज्यादा तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ करना, ये अपना जगह जाके छोड़ दीजिएगा, मैं ये अपना खाएगा पिएगा। जैसे कि दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले जो है हम लोग जैसा कैंप से रेस्क्यू किए थे, तो आगे हम लोग जंगल में उसको पुनः रिलीज करने के लिए, देख सकते हैं मेरा आगे पीछे जंगली जंगल है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और फिर से एक बार आप लोग को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित होकर दीपावली का त्यौहार को मनाएँ, और हो सके चाइनीज लाइट जितना भी हो उससे अच्छा होगा एक दिया ले घर में, उसको यूज़ करें। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, इसको जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये हमारा नेचर को संतुलन बनाए रखने के लिए आगे रहता है। देख सकते हैं भला, एकदम फोटो खींचा तो मोबाइल इधर चलिए, इधर चलिए, देख सकते हैं यही है टिपिकल कोबरा है। अरे उधर मेरा सही तेरे बोला लग रहा है, गलत जगह डब्बा खोल दिया गाजी, हमको लग रहा है। अब ठीक हो, धीरे धीरे आ जाए।